ये गालबन दलावर हुसैन साहब हैं जी, इस्लामी स्कॉलर बांग्लादेश के। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज रेहान, वेलकम टू रेहान क्रिएशन। फ्रेंड मेरे पास आज इनकी पिक्चर दिलावर हुसैन सईदी, कल से पाकिस्तान में बहुत इन पर ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है और इनकी कल डेथ हो गई है, तो इनकी डेथ की वजह क्या है? इंडिपेंडेंस डे यानी कि 14 अगस्त को कल पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे था, उसी दिन इनकी डेथ होना, पाकिस्तान इस बारे में क्या कहते हैं? फ्रेंड जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को मेरे को फॉलो करें, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, आप इनको जानते हैं? जी, कल से इनकी न्यूज़ सुन रहे हैं, दिलावर हुसैन रिजवी साहब जो कल से इंतकाल कर गए हैं, बांग्लादेश में रहते थे और इनके मदारिस वगैरह भी थे, और सुना है कि उधर की जो प्राइम मिनिस्टर है हसीना, उन्होंने इन पे काफ़ी केसेस वगैरह भी किए थे, क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो। तो कल इनकी डेथ हो गई हुई है हॉस्पिटल में, सुना है कि हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन साजिश ही कोई लगती है। तो बस बहुत अच्छे इंसान थे, कल से इनकी डेथ हुई है, न्यूज़ वगैरह काफ़ी चल रही है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टीवीज़ में न्यूज़ पे चल रहे हैं। ये है अलामा दिलावर साहब। ये दिलावर हुसैन रिजवी हैं। अच्छा, तो आपने इनके बारे में कब सुना है, क्या सुना है आपने? यार रात को न्यूज़ हमने सुनी थी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे ये आ रहे हैं, क्योंकि इनका वहाँ पे ना रात को इंतकाल हो गया, तो काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि इनको हार्ट अटैक आया, कुछ लोग कहते हैं कुछ साजिश से मारा, क्योंकि पाकिस्तान का 14 अगस्त था, ये चाहते थे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग ना हो। ये दिलावर हुसैन सईदी हैं। दिलावर हुसैन सईदी है। अच्छा, तो आपने इनके बारे में कहाँ से सुना है और क्या सुना है आपने इनके बारे में? अच्छा, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल का तो नहीं ना मुझे पता, लेकिन कुछ बातें मैं बता देता हूँ कि इनके बारे में। ये दिलावर हुसैन सईदी जो है, ये 1971 में जब बांग्लादेश हमारे मुल्क से अलग हो रहे थे, तो इन्होंने ये स्ट्रगल की कि ये अलग ना हो, यानी कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग ना हो, ठीक है। तो इसी वजह से वो मतलब ये कोशिश कर रहे थे, जदोजहद कर रहे थे। बाद में इन पर एक केस बना, वो बांग्लादेश के जो वज़ीर आज़म वो औरत थी, शेख हसीना। अच्छा जी, तो उसने 2003 में इन पे केस करवाया और कोर्ट ने इसको जो है ना मतलब उम्र भर की सज़ा दी। अच्छा, तो ये कैद में थे। कल इनके बारे में सुना कि बस पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट डे था, तो इनकी डेथ हो गई, इनके बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह इनकी मगफिरत फरमाए। सर ये दिलावर हुसैन सईदी साहब है मेरे ख्याल से बांग्लादेश के। यार ये तो सुनने में आया कि कल इसकी डेथ हो गई 14 अगस्त को, और ये मुहिब वतन पाकिस्तानी थे, समझ लो कि कतर में जो दोनों लहदा हुए हैं, तो ये चाहते नहीं थे कि दोनों लहदा हो जाएं, यानी कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान अलग ना हो, इससे पाकिस्तान मजबूत होगा और इंडिया पर जो हम ज़रा बारी रहेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कल इनकी डेथ हुई है तो वो कोई साजिश हो सकती है कि इंडिपेंडेंट डे वाले दिन, या डेथ इनकी नेचुरल हो सकती है? यार ये तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, लेकिन सुनने में ये आया है लेकिन कि इनकी हार्ट अटैक से हुई, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये हो भी सकता है, क्योंकि ये खालदा ज़िया के साथ इसका था आपस में पार्टी दोनों की, तो ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन सुनने में तो ये है कि हार्ट अटैक से हुई है। अच्छा, मुझे आप ये बताना कि पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट डे पर इसका फोर्थ होना, क्या आपको लगता है कि वहाँ पे हॉस्पिटल में इसके खिलाफ साजिश की थी कि, या वैसे हार्ट अटैक की वैसे डेथ हो सकती है, आपको क्या लगता है? सर देखिए, ये पाकिस्तान के जैसे हालात चल रहे हैं, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि इनकी हार्ट अटैक करवाई गई है, तो बस ये अल्लाह को पता है, गैब का इलम अल्लाह के पास ही होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी डेथ जो है ना हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई, ये करवाई गई है शायद ऐसे। हाँ, यानी कि आप कहते हैं कि चूंकि अगर आगे पीछे अगर इनको कोई डेथ होती तो इतना इशू नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त वाले दिन ही ऐसा हुआ है, तो इसमें इस चीज़ की चीज़ नज़र आती है कि इनको पाकिस्तान का साथ देने पर इसको उसी दिन इनको कोई जहर वगैरह दे के या किसी वजह से मारा गया हो। जी, इसी बात से मुझे ना बस ये जाहिर होता है कि दाल में कुछ काला है, वो कहते हैं ना दाल में कुछ काला है, तो पाकिस्तान के आज़ादी वाले दिन इनका डेथ होना, इनको हार्ट अटैक होना, तो बस बाकी रब को पता है। ये जो हैं, आई थिंक ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, इनका नाम है दिलावर हुसैन, राइट? आई थिंक ये दिलावर है। दिलावर पूरा नाम क्या है? दिलावर हुसैन, बांग्लादेश से। अच्छा, तो आप इनको जानते हैं? हाँ, मैंने इनके बारे में सुना हुआ है। अच्छा, अब मुझे आप बताएं कि ये आजकल कहाँ पर है? हसीना वाजो थी ना, उसने इसको ना मतलब कि सजाए वो सजा दिलवा दी थी,
सजाए मौत हो गई थी इसको, तो बाद में ये ना वो सजाए मौत उम्र कैद में कन्वर्ट हो गई थी। सही सही। तो ये साहब ना वो खालदा ज़िया के ना राइट हैंड थे, मुसलमानों को वहाँ सजा दे रहे हैं पाकिस्तानी से करके, इन्होंने मुल्क टूटने से बचाने की कोशिश की है, इसका उनसे इंतकाम ले रहे हैं ये, क्योंकि इन्होंने मुल्क के लिए बड़ी अपनी पूरी अंत तक कोशिश की है कि पाकिस्तान ना टूटे और इंडिया को फ़ायदा ना हो। ये मुल्क टूटने से पाकिस्तान तो कमज़ोर हो गया, तो इंडिया बहुत ताकतवर हो गया। अच्छा भाई, इनको आप जानते हो? जी जानते हैं, कल से न्यूज़ चल रही है इनकी, कल शाम से। कल से न्यूज़ चल रही है इनके बारे में, क्या चल रही है न्यूज़? ये दिलावर हुसैन की न्यूज़ चल रही है कि इनको हार्ट अटैक आया या कोई साजिश हुई है उनके साथ, कल रात की डेथ हो चुकी है इनकी, इनके खिलाफ साजिश हुई है। बड़े बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं। कहाँ के? ये बांग्लादेश के। अच्छा। और इन्होंने सेपरेशन होने की बड़ी मुखालफत की थी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान ये इकट्ठे रहें, ये ना इंडिया के हाथों में ना आए, तो जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश है ना, उन्होंने इनको सजाए मौत दे दी थी। इन्होंने अच्छा किया था कि ये जो 1971 में के पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान अलग ना हो। इन्होंने तो बहुत अच्छा किया, इन्होंने तो बहुत अच्छा किया कि दोनों ये एक ही मुल्क हमारा इकट्ठा रहे, मुसलमानों की एक ही ताकत रहे। जो असीना वाजिद है ये इसकी मुखालफत करती है, क्योंकि जो खालदा ज़िया है वो इसकी इनकी हमायत करती है और ये उसके सपोर्टर हैं, दो दफ़ा ये पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं। और इनकी वहाँ पे सियासी पार्टी भी थी यार, तो ये काफ़ी फेमस थे उधर, तो बस ये इनका अचानक इंतकाल हो गया कल, तो पता नहीं चला, बहुत अच्छे इंसान थे यार। तो दीनी लिहाज से आप इनको जानते हैं? दीनी लिहाज से हाँ, इनको जानते हैं यार, ये जैसे हमारे इधर मौलाना तारिक जमील साहब है, वैसे इनका ये वहाँ पे दर्स वगैरह देते होते थे। आई थिंक इन्होंने 71 में पाकिस्तान के बारे में ये बातचीत की थी कि जब इनका मतलब के पार्टीशन हुआ था कि इन दोनों को एक ही कंट्री बन के रहना चाहिए, तो बस इतना सुना है, काफ़ी इनके बारे में पढ़ा भी है, इस्लामी स्कॉलर हैं ये, इसके अलावा एक अच्छे इंसान है। ये बताएं आप इनके बारे में क्या जानते हैं? इनके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ना, मैंने इनके बारे में ये सुना हुआ है कि 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हो रहा था ना, तो इन्होंने कहा था कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा ना हो, क्योंकि दो भाइयाँ एक साथ रहें। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन इनकी डेथ की साजिश कर सकता है? इनकी डेथ की साजिश वही जिन्होंने इन पर केस किए हैं, शेख हसीना, उन्हीं का हाल लगता है, क्योंकि पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट डे था और 14 अगस्त था और इनकी डेथ का क्या उनको कोई सियासी फ़ायदा हो सकता है इसकी, इनके इनको मारने की वजह से? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, तो उन्होंने ये साजिश की है। कि आपका काम, आपको लगता है कि ये अवामी लीग का काम है शेख हसीना का? बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए ठीक है, थैंक यू।